एक बार की बात है, तीन बहुत अच्छे दोस्त थे, मोहन, सोना और राजू। वे तीनों एक छोटे से गांव में रहते थे और हर दिन साथ में खेलते, हंसते और एक दूसरे की मदद करते। गांव के पास एक घना जंगल था जहां वे कभी कभी अपनी किस्मत आजमाने जाते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है, लेकिन किसी ने कभी उस पेड़ को देखा नहीं था। एक दिन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस जादुई सोने के पेड़ को ढूंढने जाएंगे। वे सुबह सुबह उठे, अपनी थैलियां उठाई और चल दिए। चलते चलते वे जंगल के अंदर गहरे तक पहुंच गए, जहां तक पहले कभी नहीं गए थे। रास्ता मुश्किल था, कभी कांटे चुभते तो कभी झाड़ियां रास्ता रोकती, पर तीनों ने हार नहीं मानी। काफी देर चलने के बाद वे थक गए और एक बड़े से पत्थर के पास बैठ गए। तभी सोना ने देखा कि पत्थर के पीछे कुछ चमक रहा है। उसने मोहन और राजू को दिखाया और तीनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। पत्थर हटाते ही उनकी आंखें चमक उठी। उनके सामने था एक सुनहरा पेड़ जिसके फल सोने के थे। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अगर वे इन फलों को अपने गांव ले जाएंगे तो सभी बहुत खुश होंगे और उन्हें बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास गए, एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। वह एक साधु जैसा दिखता था और उसकी आवाज में गहरी ज्ञान की झलक थी। उसने कहा, यह पेड़ केवल उन लोगों के लिए फल देता है जिनके दिल में सच्चाई, ईमानदारी और दोस्ती होती है। साधु की बात सुनकर तीनों दोस्त रुक गए। साधु ने कहा, अगर तुम तीनों में से किसी के दिल में लालच होगा तो पेड़ के फल सोना बनकर तुम्हारे हाथों से फिसल जाएंगे। सोच समझकर फल तोड़ना। पहले मोहन ने फल तोड़ा। उसने सोचा, मैं सिर्फ एक फल लूंगा और इसे अपने परिवार के लिए रखूंगा। उसने फल तोड़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, फल सोने का ही रहा। मोहन ने राहत की सांस ली। फिर सोना ने फल तोड़ा। उसने सोचा, मैं इस फल को गांव के सबसे गरीब आदमी को दूंगी। उसके फल ने भी सोने का रूप बनाए रखा। आखिर में राजू की बारी आई, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं सारे फल ले लूं तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने एक नहीं बल्कि कई फल तोड़े, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, वे सारे फल मिट्टी में बदल गए। राजू हैरान रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। साधु ने राजू की तरफ देखा और कहा, लालच से हमेशा नुकसान होता है। राजू ने अपनी गलती मानी और साधु से माफी मांगी। साधु ने अपना आशीर्वाद दिया और पेड़ के सारे फल फिर से सोने के हो गए। तीनों दोस्तों ने मिलकर पेड़ से कुछ फल तोड़े और साधु के आशीर्वाद के साथ वापस अपने गांव लौट आए। उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ उस सोने को बांट दिया और गांव खुशहाल हो गया। इस तरह तीनों दोस्तों ने समझा कि सच्ची खुशी और सफलता लालच में नहीं, बल्कि ईमानदारी, दोस्ती और एक दूसरे के साथ में है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए टुनटुन टीवी सब्सक्राइब करें।